बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे हैं। उनकी मुलाकात एक पुराने सहयोगी से होती है। तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार सहयोगी के सामने जैसे खड़े होते हैं, दोनों एक दूसरे के गले लगाते हैं, मानो नीतीश कुमार भावुक हो गए। दरअसल बता दें कि बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने और नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज आरजेडी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद शरद यादव से दिल्ली में मुलाकात की। नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद विपक्ष को एकजुट करने की जिम्मेवारी के साथ नीतीश कुमार तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज नीतीश कुमार शरद यादव से मुलाकात करने पहुंचे। नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद शरद यादव ने कहा कि आज के राजनीतिक माहौल को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि सभी विपक्ष एकजुट हो जाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर नीतीश कुमार ने बेहतर चेहरा और कोई नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार के पुराने साथी जनता दल यू में भी रहे हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी, मानो तो एक दूसरे के बेहद करीबी रहे हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार विपक्ष के तरफ से उम्मीदवार जो है इनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता है। आरजेडी नेता शरद यादव ने नीतीश कुमार की सराहना करते हुए कहा कि आज देश को जरूरत है कि विपक्ष एकजुट हो। नीतीश कुमार इसी काम को पूरा करने के लिए निकले हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक मिशन पर निकले हैं और उन्हें लगता है कि वह इसमें सफल भी होंगे। शरद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की यह पहल कारगर होगी क्योंकि वह एक्सेप्टेबल है, वह विपक्ष को गोलबंद करना चाहते हैं। शरद यादव ने आगे कहा कि वर्तमान में विपक्ष के नेता के तौर पर कोई चेहरा नहीं है, लेकिन लगता है कि नीतीश कुमार सभी विपक्ष दलों को स्वीकार चेहरा हो जाएंगे। शरद यादव से मुलाकात और मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर हुई। तस्वीरों से साफ जाहिर है नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगी से मुलाकात के दौरान भावुक हुए और तुरंत एक दूसरे के गले भी लगाते नजर आए। शरद यादव नीतीश कुमार की एक लंबी कहानी है, वो एक दूसरे के साथ रहे हैं। विपक्ष को एकजुट करने को लेकर नीतीश कुमार बड़ी जिम्मेवारी के साथ दिल्ली दौरे पे हैं। वहाँ पे तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है, अरविंद केजरीवाल से होती है, चौटाला से होती है, तमाम जो बड़े नेता है जो दिल्ली में है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव से मुलाकात होती है, और उसके बाद नीतीश कुमार की मुलाकात शरद यादव से हुई। शरद यादव नीतीश कुमार के पार्टी में रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, एक आत्मीय संबंध रहा है दोनों नेताओं के बीच में। यूं कहते हैं पुराने अच्छे सहयोगी में से एक शरद यादव हैं। शरद यादव से मुलाकात कर भावुक तो हो गए ही, दोनों एक दूसरे के गले लगाए और शरद यादव ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि वर्तमान परिस्थिति जो माहौल है देश में बन रहा है, ऐसे में विपक्ष को एक चेहरे की जरूरत है। मुझे लगता है कि तमाम विपक्षी दलों को नीतीश कुमार जैसा चेहरा जो है वो स्वीकार जरूर होगा। नीतीश कुमार शरद यादव की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर है, एक दूसरे के गला लगाते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे हैं, वो आज भी दिल्ली रहेंगे, उनका अंतिम दिन है दिल्ली, और यहाँ पे तमाम नेताओं से मुलाकात हो रही है, विपक्ष को एकजुट करने की बात हो रही है, ताकि 24 में जो 14 में आए थे 24 में नहीं आए, इस प्रयास को आगे लगातार नीतीश कुमार जो है वो बढ़ाते नजर आ रहे हैं।